स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हां, अंग्रेजों का सामना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कौन नहीं जानता है? 1857 के युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता? रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ से बांधे हुए युद्ध करने की वह गाथा आज भी लोगों की आंखों में आंसू ले आती है। सबको ये पता है कि रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन क्या किसी को पता है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ? लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव और उनके वंशज का क्या हुआ, उनकी जिंदगी कैसी थी, और इस बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। शायद आपको न पता हो, लेकिन दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई के आने के जाने के बाद बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। कहते हैं उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा था। बता दें कि लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश 4 माह बाद ही उसकी असमय मृत्यु हो गई। उनके पति और राजा गंगाधर राव काफ़ी बीमार रहने लगे थे। रानी ने राज्य को उसका उत्तराधिकारी दिलाने के लिए दामोदर को 5 साल की उम्र में ही गोद ले लिया था। 1857 के युद्ध के दौरान लक्ष्मीबाई ने दामोदर की जिम्मेदारी अपने विश्वास पात्र सरदार रामचंद्र राव देशमुख को सौंपी थी। युद्ध में अपनी जान की आहुति देने के बाद रामचंद्र राव देशमुख 2 वर्षों तक दामोदर को अपने साथ लिए ललितपुर जिले के जंगलों में भटकते रहे। अंग्रेजों के डर से कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कई बार तो उन्हें खाना तक भी नसीब नहीं होता था। कई दिन जंगलों में कष्ट झेलने के बाद में झालरा पाटन पहुंचे, जहां उन्हें नन्ने खान मिले। नन्ने खान महारानी की मृत्यु के पश्चात झालावाड़ पतन में आकर रहने लगे थे तथा एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर फ्लिंक के दफ्तर में काम करते थे। नन्ने खान ने ही दामोदर को मिस्टर फ्लिंक से मिलवाया था। मिस्टर फ्लिंक दामोदर की पेंशन की व्यवस्था करने में लग गए। पेंशन देने के लिए अंग्रेज सरकार ने दामोदर से सरेंडर करने के लिए कहा। काफी सिफारिश लगाने के बाद दामोदर राव को 200 रुपया प्रति माह पेंशन मिलने लगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि झांसी की रानी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भाग में भी रहते हैं। ये लोग अपने नाम के पीछे झांसी वाला लिखते हैं। दामोदर की चाची और उनकी असली माँ ने 1860 में उनका विवाह करा दिया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर है। किसी कारणवश दामोदर की पहली पत्नी का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी दूसरी शादी करा दी गई, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम लक्ष्मण राव और लक्ष्मण राव के बेटे का नाम कृष्ण राव और चंद्रकांत राव का वंश भी आगे बढ़ता चला गया और कृष्णा राव के 2 पुत्र मनोहर राव और अरुण राव तथा चंद्रकांत के 3 पुत्र अक्षय चंद्रकांत राव, अतुल चंद्रकांत राव और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव हुए। लक्ष्मण राव तथा कृष्ण राव इंदौर न्यायालय में टाइपिस्ट का कार्य करते थे। अरुण राव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से बतौर जूनियर इंजीनियर 2002 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका बेटा योगेश राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बता दें कि लक्ष्मीबाई पर एक बायोपिक भी बन रही है, जिसमें कंगना रनौत लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही हैं और इस बायोपिक का जनवरी 2019 में रिलीज होने का संभावना जताई जा रही है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।